सोमवार की देर शाम बाजार से खरीदारी कर लौट रही एक युवती का रास्ता रोक दबंगों ने छेड़छाड़ शुरू कर दी। भाइयों ने विरोध किया तो दबंगों ने लाठी डंडे से पीटकर उन्हें घायल कर दिया। दोनों भाइयों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शहर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी अभिषेक व अविनाश ने बताया कि उनकी चचेरी बहन देर शाम 7 बजे बाजार से खरीदारी कर घर लौट रही थी। शहर कोतवाली क्षेत्र के आजमपुर गौरा के कुछ मनबढ़ युवक उसका रास्ता रोक लिए। मेरी बहन ने विरोध किया तो दबंग उसके साथ छेड़छाड़ करने लगे। उसी दौरान वहां पहुंचे दोनों भाइयों ने विरोध किया तो लाठी डंडे से हमला कर दिया। दबंगों ने अपने गांव से भी कुछ लोगों को बुला लिया। हो हल्ला मचने पर इलाकाई लोग जुटे तो हमलावर भाग निकले। हमले में लहूलुहान दोनों भाइयों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपात ड्यूटी के डॉक्टर ने सिर एवं शरीर में कई जगह गंभीर चोट लगने की बात कही है। वर्तमान में मिशन शक्ति अभियान में पुलिस की तमाम कवायद के बावजूद बेटियों के साथ ऐसी घटनाएं पुलिस की रणनीति में कहीं ना कहीं झोल होने का संकेत जरूर दे रही हैं। वहीं इंस्पेक्टर कोतवाली का कहना है कि छेड़खानी के बाद दोनों पक्षों में मारपीट हुई। घटना की जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर पुलिस पहुंची। मामले में छेड़खानी के आरोपित युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त दोनों पक्षों के 12 लोगों को 151 में चालान किया गया है। इंस्पेक्टर का कहना है कि मारपीट में दोनों पक्षों के लोगों को चोटें आई हैं और सभी लोग अपना इलाज करा रहे हैं।